और अब शेखों में दौड़ पड़ी है सनातन की संस्कृति। शेख बन रहे हैं तुलकधारी जिन्हें देख खौल रहा है कट्टरपंथियों का खून। आखिर कौन है ये शेख जिसकी पोस्ट से तलमला उठे कट्टरपंथी? क्या किया इस शेख ने ऐसा? क्यों बौखला उठे हैं भारत और पाकिस्तान के मुस्लिम कट्टरपंथी और इनके लिए क्या सोचना है अरब शेखों का, चलिए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अरब देशों के शेखों को चढ़ रहा है हिंदू धर्म का खुमार। अरब के शेख बन रहे हैं तुलकधारी और अपना रहे हैं हिंदू संस्कृति। जी हाँ, ये सुनकर आपको थोड़ा नहीं बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाल ही में जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही हैं, उन्होंने तो दुनिया भर के कट्टरपंथियों की रातों की नींद उड़ा दी है। वही जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, उनका गुस्सा तो सोशल मीडिया पर जबरदस्त फूट रहा है, पर इन सब से अरब देशों के मुस्लिमों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कट्टरपंथी मुस्लिम अरब देशों की मालाएं जपते हैं, वहीं अरब देश यहाँ के मुस्लिमों को कुछ समझते ही नहीं। ये मुस्लिम भले ही उनके बारे में कुछ भी कहें, उनके पोस्ट पर कैसा भी कमेंट करें, पर अरब के शेखों को इन देशों के मुस्लिमों की कोई परवाह ही नहीं है। तभी तो दोस्तों अरब देशों में जो हो रहा है उसके खिलाफ कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर आग उगलना शुरू कर दिया है, पर फिर भी अरब देशों को उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। पर मसला ये है कि आखिर ये कट्टरपंथी मुस्लिम भड़क ही क्यों रहे हैं? तो जनाब आपको बता दें कि उसके पीछे अरब देशों में बढ़ता हुआ हिंदुत्व है। आज अरब के शेखों में सनातनी सभ्यता का खुमार देखा जा रहा है। वो देश जहाँ हिंदू मंदिर तो दूर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मिल जाते थे तो बड़ी बात होती थी, आज उन्हीं देशों में हिंदू मंदिर के साथ साथ बड़ी संख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी नजर आ रहे हैं। और सनातन धर्म की ताकत तो देखिए कि आज अरब के मुस्लिमों में भी सनातनी संस्कृति के लिए अलग ही प्रेम है, अलग ही आस्था नजर आती है। यकीन नहीं हो रहा ना आपको, तो चलिए हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में जो शेख नजर आ रहे हैं ये दुबई के जाने माने शेख हैं, जिनके हाथों में कुछ मंदिर से जुड़ी तस्वीर और इनके साथ एक जाने माने स्वामी जी जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। आपको बता दें कि इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर कट्टरपंथियों के भड़कीले कमेंट्स की बरसात होना शुरू हो गई। कोई कहता है कि काफिर है तो कोई कहता है कि तुम असली मुस्लिम नहीं हो, लेकिन अगर देखा जाए तो दोस्तों अरब के मुस्लिम यहाँ के मुस्लिमों को ही असली मुस्लिम नहीं मानते। जी हाँ, ये एक शॉकिंग खबर है लेकिन सच है। अब अगर देखा जाए तो मुस्लिम तो दुनिया भर में रहते हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि खुद को मुस्लिम बनाने का काम भारत और पाकिस्तान के मुस्लिम कट्टरपंथी करते हैं और बाकी कहीं ऐसा नहीं देखा गया। शायद इसी वजह से तो अब अरब देशों में इनको कुछ समझा ही नहीं जाता। यही नहीं, कई दावों में तो ये भी देखा गया है कि सऊदी अरब के मुसलमान भारत पाकिस्तान के मुसलमानों को असली मुसलमान भी नहीं मानते। और है ना हैरानी की बात, सऊदी अरब के मुसलमानों का मानना है कि हमारे बाप दादा वहाँ आए थे जिन्होंने सबको कन्वर्ट किया, यानी उनके अनुसार यहाँ के मुसलमान कन्वर्टेड ही हैं। मतलब जो कट्टरपंथी सोचते हैं कि अरब देश ही उनके लिए सब कुछ है, तो भाई उनको ये बताना भी ज़रूरी है कि अरब देश उनके लिए क्या सोचता है। खैर ये बात तो अलग ही रही, लेकिन अब भी अरब देशों की तरफ से हिंदू संस्कृति से जुड़ी कोई एक्टिविटी होती है तो पता नहीं यहाँ के कट्टरपंथियों को क्या हो जाता है। जैसा कि कुछ समय पहले हुआ जब दुबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन और दर्जनों कंपनियों के मालिक शेख डॉक्टर बू अब्दुल्ला बागेश्वर धाम पहुंचे, जिसके बाद तो कट्टरपंथियों के छाती पर सांप लौट गए। हुआ क्या था चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों छत्तरपुर जिले के बागेश्वर धाम की आज जो पॉपुलैरिटी है उससे शायद ही कोई अनजान हो। दुनिया भर में बागेश्वर धाम को अलग ही ख्याति प्राप्त है, जहां दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी भीड़ में उमड़ते हैं और अब दुबई के बागेश्वर धाम पहुंचना शुरू हो गया है। जी हाँ, दुबई देश में भी बागेश्वर धाम का खुमार देखा जा रहा है और इसी खुमार में डॉक्टर बू अब्दुल्ला बागेश्वर धाम जा पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा के दर्शन किए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात भी की। डॉक्टर अब्दुल्ला दिल्ली होते हुए खजुराहो के गढ़ा गांव पहुंचे थे और इन सब की उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर की, जिससे वे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर शास्त्री जी के साथ नजर आए। इस क्लिप में दोस्तों आप देख सकते हैं कि डॉक्टर बू अब्दुल्ला धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलकर कितने खुश नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि डॉक्टर अब्दुल्ला धीरेन्द्र शास्त्री जी के लंबे समय से मुरीद हो गए हैं, जिनकी कथाएं वे अक्सर सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं और इसलिए उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए दुबई से गढ़ा गांव का सफर तय किया और उनके दर्शन भी किए।
लेकिन यहाँ एक तरफ शेख साहब की बागेश्वर धाम जाकर ख्वाहिश पूरी हुई, वही कट्टरपंथियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कट्टरपंथियों का कहना था कि इस शेख ने तो हिंदू धर्म को अपना लिया और ना जाने क्या क्या बातें कहीं, लेकिन वाकई इस शेख की तो बात ही अलग है। अगर इनके किसी भी काम से कट्टरपंथियों को परेशानी होती है तो ये अलग ही अगले ही पल उससे कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। जहां एक तरफ भड़के हुए कट्टरपंथी शेख पर उंगली उठा रहे थे, वहीं कुछ समय बाद डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने ट्वीट करके दुबई में होने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के बारे में बताया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ डॉक्टर बू अब्दुल्ला का ही है। अब भाई हमने तो आपको कहा ही था कि अरब के शेख की किसी भी चीज़ के लिए खिलाफत की जाती है तो वो उससे भी बड़ा करके दिखाते हैं। और बात अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुस्लिमों की हो तो ये मौका किसी तरह भी छोड़ना नहीं चाहते, और ऐसा ही कुछ डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने करके दिखाया। जहाँ कुछ समय पहले लोग चिल्ला रहे थे ना कि अलग अलग कॉमेंट करके कि तुम अलग अलग संतों से क्यों मिल रहे हो, इसका कड़ा जवाब देते हुए डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने एक पोस्ट शेयर कर दी, जिससे देखते तो भाई साहब सोशल मीडिया पर अलग ही बवाल मच गया। जी हाँ दोस्तों, हम इस तस्वीर की बात कर रहे हैं जिसमें डॉक्टर अब्दुल्ला के साथ ब्रह्म बिहारी दास जी थे, उनके हाथों में कुछ पुस्तकें भी थी। यहाँ हम स्वामी ब्रह्म बिहारी दास जी के बारे में आपको बता दें कि ये जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और ये जो तस्वीरें हैं वो दुबई में हॉली में बने बाप्स मंदिर की है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और साथ में लिखा कि जब वो बाप्स हिंदू मंदिर की यात्रा पर थे तब उनकी मुलाकात ब्रह्म बिहारी दास जी के साथ हुई, जो बाप्स के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रभारी हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि डॉक्टर बू अब्दुल्ला तस्वीर से पहले पूजा करके आ रहे हैं, पर हम कैसे कह सकते हैं कि यही सोच रहे हैं ना आप? तो जरा इस तस्वीर को जूम करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि डॉक्टर बू अब्दुल्ला के माथे पर तिलक लगाया गया है, यानी वे तिलकधारी बन गए हैं। लेकिन भाई कट्टरपंथियों को कौन ही रोक सकता है? इस तस्वीर को देखकर एक बार फिर भड़के हुए कॉमेंट्स में बरसात कर रहे हैं, जहां डॉक्टर अब्दुल्ला को नीचा दिखाने के लिए अलग अलग कमेंट्स किए। जहां एक ने तो ये लिख दिया कि डॉक्टर अब्दुल्ला यूएई के स्वामी बनते जा रहे हैं, वहीं कुछ काफिर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तस्वीर इंस्टाग्राम पर भी शेयर की गई थी, जहां भी लगातार भड़के हुए कमेंट्स की खूब बरसात हुई। वहां तो ये तक कहा गया कि आप असली मुसलमान नहीं है, लेकिन इसके जवाब में एक शख्स ने रिप्लाई दिया कि जो डुप्लीकेट मुस्लिम है वो रियल मुस्लिम से सवाल नहीं पूछ सकते। तभी उस शख्स पर रिप्लाई आता है कि असली मुस्लिम कभी हिंदू मंदिर नहीं जाते। अब यहाँ आप देखिए दोस्तों, इन कट्टरपंथियों के हिसाब से जो असली मुस्लिम है वो मंदिर नहीं जाते, जबकि देखा जाए तो असली मुस्लिम तो मंदिर में जा ही रहे हैं। यानी कहाँ गड़बड़ी है भैया, असली जा रहे हैं यानी गड़बड़ी तो है यहाँ पर हो रही है, जिसे ये बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके वो कमेंट्स में तो ऐसे भड़ास निकालते हैं कि उनका कहना ये शेख मान ही लेंगे, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात यह है कि शेख उनके कमेंट्स का ना तो रिप्लाई करते हैं और ना ही उस पर ध्यान देते हैं। अब भैया अरब के देशों में सनातन की जो लहर दौड़ पड़ी है इससे तो आप अच्छे से वाकिफ ही हो गए होंगे, लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। क्या वैसे आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।